सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए हमारी वीडियो, ताकि सभी लोग हमारे वीडियो का आनंद उठा सकें। और साथ में जो हम ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं वह आप सबको मिल सके तत्काल रूप में। जी हाँ मित्रों, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे वीडियो सुन रहे हैं, यदि आपको समझ में आता है कि हमारी कोई त्रुटि है तो हमें अवश्य बताएं ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी प्रदीप रैदास। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे एवं कुशल भी होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि आप सबके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आज का जो वीडियो है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और आज जिनका परिचय हम देने जा रहे हैं, जीवन परिचय जिनका बताने जा रहे हैं, वो उनकी प्रतियोगिता दक्षिण में देवगिरी राज्य के राज्य गायक पंडित गोपाल नायक के विषय में बताने जा रहे हैं, जिनसे अमीर खुसरो जी की प्रतियोगिता हुई थी और छल कपट से अमीर खुसरो जी ने उन्हें हरा दिया था। तो आइए उनके विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मित्रों, पंडित गोपाल नायक की ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हम इसका संक्षिप्त जीवन परिचय रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो इसे आप लोग सुने, क्योंकि कोई जानकारी ज्यादा है ही नहीं इनके विषय में। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिलता है बता रहे हैं। गोपाल नायक दक्षिण के निवासी थे और वहां के तत्कालीन राजा रामदेव के राज्य गायक थे। वे स्वभाव से बड़े सरल थे, स्वभाव से सीधे और सरल होने के कारण अमीर खुसरो ने उन्हें प्रतियोगिता में, संगीत प्रतियोगिता में छल कपट से हरा दिया। मित्रों, आवश्यकता से अनुसार सरल और सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं फिर आदमी बहुत फायदा उठाते हैं अपनी जो है मजबूरी का। वैसे ही अमीर खुसरो ने जो गोपाल नायक जी तो जो थे दक्षिण के, उनका फायदा उठाया और उन्हें छल कपट से हरा दिया। सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। खिलजी ने गोपाल नायक को अपना गायन सुनाने को कहा। गोपाल नायक 6 दिनों तक अपना गायन सुनाते रहे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा लेकर उनके सिंहासन के नीचे बैठकर बराबर गायन सुनते रहे। इसके बाद जब खुसरो सामने उपस्थित हुए तो गोपाल नायक ने उन्हें संगीत प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित किया। खुसरो झट से तैयार हो गए और गोपाल नायक को गायन प्रारंभ करने को कहा। गोपाल नायक गाने लगे। खुसरो ने बीच में रोककर उन्हें कहा कि यह मौलिक राग नहीं। तब गोपाल नायक ने कहा, बोले अच्छा ठीक है, तुम ही मौलिक राग सुनाओ भाई। खुसरो ने उसी समय क्या किया कि उत्तेजित होकर फारसी राग की रचना की। सोचिए मित्रों, तुरंत फारसी राग की रचना की
और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अतः गोपाल को विवश होकर हार माननी पड़ी। इसी तरह अमीर खुसरो ने गोपाल नायक को अपनी चालबाजी से हरा दिया। असल में अमीर खुसरो गोपाल नायक की प्रतिभा को, वास्तविक प्रतिभा को अच्छी तरह समझते थे, अतः वो अपने साथ गोपाल नायक जी को दिल्ली ले आए और मृत्यु पर्यंत वे दिल्ली रहे। गोपाल जाति के ब्राह्मण थे और छंद प्रबंध गाते थे, क्योंकि उनके समय में छंद प्रबंध गायन प्रचलित में था। सोचिए मित्रों, 6 दिनों तक गाया गाना कितना जो है वो पड़ता है, लेकिन पंडित गोपाल नायक 6 दिनों तक गाते रहे। बताइए, आज का कलाकार 6 दिनों तक लगातार गा सकता है? मुश्किल से 2-3 घंटे बस। लेकिन पुराने संगीतज्ञों में इतनी जो है साधना थी। ध्रुपद नहीं, ऐसा माना जाता है कि गोपाल नायक के गोपाल नाम के 2 संगीतज्ञ हुए। दूसरे गोपाल तानसेन और बैजू बावरा के समकालीन थे। तो मित्रों, यह था पंडित गोपाल नायक का जीवन परिचय। आप सबको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।